हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। मैं अथर्वा आज आपको देने वाला हूँ ओवरव्यू ह्यूंडई की सबसे पॉपुलर हैचबैक का, जो है ग्रैंड i10 नियोस। एक खास बात इस गाड़ी के बारे में कि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ्यूल ऑप्शंस और ट्रांसमिशन का ऑप्शंस मिलता है। इसमें आपको 1.2 डीजल, 1.2 पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और CNG का भी ऑप्शन मिलता है। ये जो वेरियंट आप खड़ा देख रहे हैं, ये इसका मिड वेरियंट स्पोर्ट्स है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको टर्बो पेट्रोल वेरिएंट चाहिए तो आपको इसका स्पोर्ट्स मॉडल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि टर्बो पेट्रोल वेरिएंट के साथ आपको हैचटा का ऑप्शन नहीं मिलता। तो इसकी मेन कॉम्पिटिटर है स्विफ्ट, उसके साथ आपको सिर्फ एक पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है, पर आपको ग्रैंड i10 नियोस काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देती है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी ओवरव्यू से, क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं। तो हेडलैम्प्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर बेस्ड में ही मिलते हैं हैलोजन बल्ब। इसके आगे आपको मिलते हैं इसके इंडिकेटर्स और नीचे आपको मिलती है इसकी एयर डैम, जिसमें आपको मिलते हैं क्रोम सराउंडिंग के साथ इसके प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स जो है हैलोजन बेस में। तो अब आते हैं इसकी ग्रिल पे। तो ग्रिल आपको काफ़ी बड़ी मिलती है इस कार में, और लेफ्ट और राइट में आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर मिलते हैं इसके बूमरैंग शेप में LED DRLs। काफ़ी यूनिक लगती है इस कार को और दूर से ही पता चलता है कि ग्रैंड i10 नियोस है। राइट में आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको इसके इंजन की बैजिंग मिलती है, जो इसका टर्बो वेरिएंट है, जो 1 लीटर टर्बो GDI मोटर है इसका। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट लुक से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है लुक में। तो बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक मैनुअल का ऑप्शन मिलता है टर्बो पेट्रोल के वेरियंट के साथ, कोई आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता। अब चेक कर लेते हैं हम इसका इंजन, तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं इसका हुड। तो इंजन की अगर बात करूँ तो काफ़ी आपको चॉइस मिलता है, पर यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 1 लीटर टर्बो GDI मोटर, जो निकालता है 100 हॉर्स पावर और इसकी टॉर्क आउटपुट है 172 न्यूटन मीटर्स की। अगर बात करें इसकी माइलेज की तो यहाँ पे आपको कंपनी 20.7 KMPL का माइलेज क्लेम करती है ARAI। कोई आपको इंसुलेशन नहीं मिलती इस कार के साथ, काफ़ी ज़्यादा आपको रिफाइंड ये इंजन मिलता है। तो सेगमेंट में ये एक ही कार है जो आपको टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन देती है इस सेगमेंट में। तो यही था इसका इंजन के बारे में। तो अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड प्रोफाइल भी इस गाड़ी का काफ़ी आपको अच्छा मिलता है। डायमेंशन की अगर बात करूँ तो 3.8 मीटर्स आपको इसकी लेंथ मिलती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है अपनी साइड प्रोफाइल से। डोर हैंडल की अगर बात करूँ तो डोर हैंडल आपको क्रोम में ना मिलके आपको बॉडी कलर्ड ही मिलते हैं, और उस पर आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया जाता स्पोर्ट्स वेरिएंट में। की की अगर बात करूँ तो की आपको कुछ ऐसी मिलती है जहाँ पे आपको तीन बटन्स मिलते हैं, जहाँ पर आपको लॉक, अनलॉक और टेल गेट ओपन करने के लिए आपको बटन दिया गया है। यहाँ पर आपको ये फ्लिप की मिलती है और कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता। ORVMP ही आपको मिलते हैं इसके इंडिकेटर्स, LED टर्न इंडिकेटर्स, और ये लॉक अनलॉक करने में फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते हैं। कार के अगर टॉप में देखते हैं तो यहाँ पे आपको इसमें रूफ रेल्स दी गई है, जो इसकी लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर दी है। बी पिलर आपको मिलता है इसका ब्लैक आउट, और सी पिलर भी इसकी काफ़ी यूनिक एक डिज़ाइन दी गई है। सी पिलर इंटीग्रेट करने के लिए आपको यहाँ पे GI10 की बैजिंग मिलती है। तो बात करते हैं अब इसकी टायर्स के बारे में। तो स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स का ऑप्शन देती है ह्यूंडई, जो एक काफ़ी अच्छा लुक आपको देती है इस कार को। और आगे आपको मिलते हैं इसके डिस्क ब्रेक, और साइज़ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है 175/60R15, 15 इंचज़ के आपको यहाँ पे टायर्स मिलते हैं। पिछले टायर की अगर बात करूँ तो पिछले टायर में आपको कोई डिस्क ब्रेक नहीं मिलती। बैक प्रोफाइल पे अगर आप ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक शार्क फिन एंटीना दिया जाता है, कोई आपको माइक्रोरूफ नहीं दिया जाता। आपको यहाँ पे मिलता है इसका हाई माउंट स्टॉप लैंप। और रियर प्रोफाइल की अगर बात करते हैं तो रियर प्रोफाइल इसका काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बैजिंग इसको ज़्यादा ही करते हैं ह्यूंडई, क्योंकि आपको कई बैजिंग मिल जाएंगी इसकी रियर प्रोफाइल पर। यहाँ पर आपको इसका वेरियंट की बैजिंग मिलती है जो है स्पोर्ट्स। नीचे आपको दिया गया है इसका इंजन का बैजिंग जो आता है टर्बो पेट्रोल का भी आपको यहाँ पे बैजिंग मिलती है। लेफ्ट में अगर जाते हैं तो कार की आपको यहाँ पे बैजिंग मिलती है जो है ग्रैंड i10, और बीच में आते हैं तो यहाँ पे आपको नियोस की भी बैजिंग देती है ह्यूंडई। नीचे आपको दिया गया है इसका ह्यूंडई के लोगों के नीचे आपको मिलता है इसका रियर पार्किंग कैमरा।
तो हम बात करते हैं अब बूट साइज़ की। तो यहाँ पे आपको मिलता है 260 लीटर्स का बूट स्पेस, जो ऑलमोस्ट कॉम्पिटिशन से ही मिलता जुलता है। और यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मॉडल में आपको एक पार्सल शेल्फ भी दी जाती है। और स्पेयर व्हील की अगर बात करें तो स्पेयर व्हील आपको मिलता है 14 इंचेस का स्टील व्हील, कोई आपको एलॉय नहीं मिलता। सीट आप 60-40 में स्प्लिट नहीं कर सकते, आपको सीट फुल बेंड ही कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की। तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देती है कंपनी। तो यहाँ पे Hyundai ने कॉस्ट कटिंग की है। और यहाँ पे आपकी लगती है लाइसेंस प्लेट, और नीचे आपको ब्लैक स्किड प्लेट मिलती है। राइट में आपको मिलता है इसका एग्जॉस्ट और टोइंग हुक। तो अब बात करते हैं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसकी मिलती है 37 लीटर्स की। और यहाँ से हम भरते हैं इसका पेट्रोल, और इसे ओपन करने के लिए आपको अंदर से ही ओपन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी स्पेस की, तो कैसा आपको स्पेस मिलता है इस गाड़ी में। तो आप देख रहे हैं आपको फुल ब्लैक कलर के इंटीरियर्स मिलते हैं स्टक हेडरेस्ट के साथ। आपको ग्रैंड आइटम की कौन सी भी वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता। बात करते हैं इसकी लुक की, तो फुल ब्लैक आपको इंटीरियर्स मिलते हैं इसमें। और स्पेस की अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छा आपको नी रूम मिलता है। डोर पॉकेट्स आपको दिए गए हैं पैसेंजर साइड के पीछे, और एसी वेंट्स और एक 12V का चार्जिंग सॉकेट भी दिया जाता है। यहाँ पे जो आपको ब्लैक कलर का इंटीरियर दिया गया है उसमें आपको कई जगह पे रेड इंसर्ट्स भी मिलते हैं, जो स्पेसिफिकली टर्बो पेट्रोल वेरिएंट के लिए ही बनाए गए हैं। फ्रंट में आपको ग्रैंड आइटन में क्या फीचर्स मिलते हैं चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है इस कार में, एस्टा में आपको ज़रूर दिया जाता है रिक्वेस्ट सेंसर। सीट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो काफ़ी आपको रेड इंसर्ट्स मिलेंगे यहाँ पे स्टिचिंग पे एसी वेंट्स के अराउंड, जो काफ़ी एक प्रीमियम टच लगता है एसी वेंट्स खास करके। यहाँ पे आपको डोर पे मिलती है इसकी स्पीकर्स, और यहाँ पे आप रख सकते हैं 1 लीटर तक की बॉटल। यहाँ पे आपको यूजुअली ही बटन्स मिलते हैं लॉक अनलॉक, पावर विंडो, और यहाँ पे आप मिरर फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर बात करते हैं अब इसकी सीट्स की, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी सीट्स दी गई है, पर ये एक बमर है जो आपको यहाँ पे स्टक हेडरेस्ट ही मिलते हैं, एडजस्टेबल आपको यहाँ पे नहीं मिलते। काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करती है सीट्स, और काफ़ी अच्छी सी स्टिच भी की गई है। हाइट की फंक्शन आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स वेरिएंट से मिलता है, और ये कार आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगी। बैठ के देखते हैं और आपको क्या फीचर्स मिलते हैं इंटीरियर में हम चेक कर लेते हैं। तो आपको की यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं मिलता। और बात करते हैं अब इसकी स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे आपको लेदर रैप आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, कोई डी कट आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता। राइट में आपको क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन मिसिंग है, और लेफ्ट में आपको बटन मिलते हैं इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे इसका हॉर्न और एयरबैग, तो इस कार में आपको मिलते हैं 2 एयरबैग। पर जब ये कार का क्रैश टेस्ट हुआ तो इस कार ने सभी सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद भी सिर्फ 2 स्टार की पुअर रेटिंग्स लाई है। और अब बात करते हैं इसकी मीटर की, तो लेफ्ट में आपको मिलता है इसका टैको, बीच में आपको मिलता है इसका डिजिटल स्पीड, और एक जॉयस्टिक आपको दी गई है इसकी ट्रिप और ट्रिप मीटर सेट करने के लिए। राइट में आपको मिलती है इसकी लाइट की सेटिंग, और लेफ्ट में आपको मिलती है इसकी वाइपर की सेटिंग, जिसमें आपको ऑटो फंक्शन नहीं मिलता दोनों में। अब आते हैं इसकी सनवाइजर पे, सनवाइजर पे आपको मिलता है इसका टिकट होल्डर, कोई सनग्लास होल्डर आपको नहीं मिलता, ये इसका नॉर्मल IRVM। लेफ्ट के सनवाइजर पे आपको एक मिरर ज़रूर दिया जाता है। तो अब आते हैं इसके सेंटर कंसोल पे, तो सेंटर कंसोल में आप देखते हैं इसकी आपको स्क्रीन मिलती है 8 इंच की, तो ये एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ है ये। लेफ्ट और राइट साइड में आपको इसके मिलते हैं फिजिकल कंट्रोल्स इसे कंट्रोल करने के लिए, और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ये स्टार बटन आप किसी भी फंक्शन के लिए आप मैप कर सकते हैं, जैसे फ़ोन, प्रोजेक्शन, फेवरेट्स या डिजिटल DRVM सब के लिए। तो हम अब आते हैं इसकी एसी वेंट्स पे, तो एसी वेंट में भी आपको इसकी रेड इंसर्ट्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन आपको मिलता है स्पोर्ट्स वेरियंट में, और इसके साथ आपको यहाँ पे USB के साथ एक वायरलेस चार्जर भी मिलता है, और ये काफ़ी स्लो चार्जिंग होता है आपका फ़ोन इससे, पर ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें आपको मिलता है 5 गियर, और इसका रिवर्स आपको आगे मिलता है। लेदर रैपिंग के साथ आता है इसका गियर नॉब, 2 कप होल्डर्स आपको मिलते हैं डिफरेंट साइज़ के,
कोई हैंड रेस्ट का आपको ऑप्शन नहीं देती ह्यूंडई, और यहाँ पे इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक पियानो ब्लैक फिनिश में। ग्लव बॉक्स की अगर बात करूँ तो ग्लव बॉक्स के ऊपर आपको थोड़ा स्पेस मिलता है कुछ रखने के लिए, और ग्लव बॉक्स का स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, पर कोई कूलिंग या इल्यूमिनेशन का फंक्शन उसमें नहीं आता है। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की अगर बात करूँ तो स्टीयरिंग व्हील आप सिर्फ हाइट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर और नीचे, आप अपने पास इसे नहीं ला सकते, मतलब रीच का आपको इसमें फंक्शन नहीं मिलता। तो यही थे फीचर्स ग्रैंड आई10 नियोस के स्पोर्ट्स वेरिएंट के जो टर्बो पेट्रोल के साथ आता है। तो बात करते हैं अब इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो इसकी एक शोरूम प्राइस आपको मुंबई में पड़ती है 7,87,000 की, उसकी ऑन रोड प्राइस आप अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो आपको पड़ती है 9,21,000 की। तो ये सबसे महंगा मॉडल है ग्रैंड आई10 नियोस की लाइनअप में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।